हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अमेरिकन चॉपसी। बाजार का खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है। और ये देखिए, पहले हमने नूडल्स को बॉईल कर लिया है, इस तरह से रख लिया है, उसको सुखा लिया है स्ट्रेन करने के बाद। बॉईल कैसे करना है मैंने बताया हुआ है अपनी आप वीडियो में। ये देखिए कुछ इस टाइप के होने चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, बॉईल करने के बाद एक चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब, और उसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इसमें वो है नूडल्स, वो चिपके ना आपस में। देखिए एक एक नूडल बहुत अच्छे से खिला हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से होंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, और हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको ऐसे डस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो जरा भी मॉइस्चर इसके अंदर ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगी कि मेरी एक रेसिपी है क्रिस्पी भेल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो कैसे इनको फ्राई करना है, कैसे बॉईल करना है उसमें लिखा है। बस केवल इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे और ये तीन चीज आप इसमें और एड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्का सा नमक मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनको डीप फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से, कुछ इस तरह के नूडल्स आपको मिल जाएंगे। तो येलो लाइट होने के कारण ज्यादा येलो दिख रहा है, बट आपको इवनली फ्राई करना है। तो आइए, ये मैंने सब्जियां पहले से चॉप करके रख ली थी, आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और क्लिंग रैप, फ्रेश रैप से आप पैक करके उनको रख लें। तो ये एक तरीका है जल्दी से खाना बनाने का। ये देखिए, हमने येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, इनको ऐसे स्लाइस कर लिया है, आधा आधा लिया है मैंने। आधा ये शिमला मिर्च है ग्रीन वाला, और आधा आधा मैंने पीला बेल पेपर और ये लाल बेल पेपर को लिया है। मैंने इसमें पाइनएप्पल के पीसेस भी डाले हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में खाई तो उसमें पाइनएप्पल बहुत अच्छा लग रहा था। आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। ये मैंने एक कप के करीब कुछ स्लाइस है, ये लिया है मैंने एक बड़ा प्याज जिसको ऐसे स्लाइस कर लिया है, और एक कप के करीब ही पत्ता गोभी को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियंस ग्रीन लिया है, इनको बारीक काट लिया है। इसके बिना जो चॉपसी है वो कंप्लीट नहीं होती। ये देखिए, ये शेजवान सॉस है जिसको हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा ऑयल है, कॉर्न स्टार्च है जिसका जो ग्रेवी है उसको थिक करेंगे हम इससे, और स्वाद के अनुसार नमक है और ऑयल है। जो भी चीज हम डालेंगे वो आपको बताते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पैन में ऑयल गरम, एक टेबलस्पून हमने ले लिया है ऑयल, और इसमें डालेंगे हम प्याज जिसको हमने स्लाइस कर रखा है, प्याज को, और इसे हमें ज्यादा भूनना नहीं है। सब्जियां जो है इसमें थोड़ी क्रंची ही रहेंगी, इसको हम चलाते हैं। तो प्याज के साथ ही हल्का सा सौते करते ही हम साथ में डालेंगे ये शिमला मिर्च, ये रेड बेल पेपर, येलो, देखिए कितना कलरफुल ये लग रहा है, और हाई फ्लेम पे हमें इसे सौते करना है। कैबेज क्वांटिटी आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये जो आज का इंग्रेडिएंट है ये डाल रही हूँ मैं पाइनएप्पल, जिसका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बनाएंगे, खाकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। इसको करते हैं हम सौते, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे सौते करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच शेजवान सॉस, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी, आधा से एक चम्मच आप यूज कर सकते हैं, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे हम इसमें पानी, और इसके साथ हम डालेंगे इसमें
ये जो हमने स्लरी बना के रखी है, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने और कुछ पानी, और इसको अच्छे से ऐसे घोल लिया है। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये थिक करने के लिए है, जो ग्रेवी है ना वो थिक हो जाती है इसकी। अब डालेंगे इसमें हम ये टोमेटो केचप, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कहीं आपका कुछ मिस ना हो। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए सभी कलर्स हैं और कितनी बढ़िया ये बनी है। और ये खट्टी मीठी पाइनएप्पल की वजह से ना बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो करें इसकी प्लेटिंग और स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश करेंगे, बहुत बढ़िया, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए लग रहा है ना ये यमी, और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन से। तो ये लीजिए जी, हमारी अच्छी सी रेसिपी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।